हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं सुखेंदु। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज की फिल्मी दुनिया की कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे फिल्म नो एंट्री 2 को लेकर। जी हाँ, नो एंट्री 2, इस फिल्म को लेकर अपडेट आ रहा है कि इस फिल्म के अंदर हम दिलजीत दोसांझ, अर्जुन कपूर और वरुण धवन को देख पाएंगे। ये तो पहले ही न्यूज़ आ गया था कि सलमान खान, फरदीन खान और अनिल कपूर जो हैं इस फिल्म के अंदर वापसी नहीं कर रहे हैं। ये तीन फ्रेश ट्राई को लेकर ये फिल्म बनाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर इन तीनों का डबल रोल होने वाला है, जो कि और भी कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है और भी अच्छा कॉमेडी क्रिएट करने के लिए। और एक इंटरव्यू के दौरान बोनी कपूर ने, उनका जो फिल्म आ रहा है मैदान, उसके दौरान वो कई जगहों पर इंटरव्यू कर रहे हैं, तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा है कि नो एंट्री 2 का जो शूटिंग है वो दिसंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस फिल्म के अंदर 10 एक्ट्रेसेस रहने वाले हैं। लेकिन अभी तक कास्टिंग कुछ फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है, आगे चल के जानते हैं क्या होता है। अगला अपडेट है नितेश तिवारी की अपकमिंग मूवी रामायणा को लेकर। जी हाँ, रामायणा का जो शूटिंग है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो पहले पोर्शन का जो शूटिंग है, इसके अंदर हम रणबीर कपूर या यश या फिर सनी देओल किसी को भी नहीं देख पाएंगे। पहले पोर्शन का जो शूटिंग है वो चाइल्ड आर्टिस्ट से किया जाएगा, मतलब राम, लक्ष्मण और भरत का जो बचपन है उसी पीरियड से स्टार्ट किया जाएगा। गुरु वशिष्ठ इन तीनों को लाइफ लेसन दे रहे हैं, इसी सीक्वेंस के साथ ये शूटिंग स्टार्ट हो रहा है। और इसी के साथ ही अगले महीने रणबीर कपूर जो हैं एले फिर से जा रहे हैं अपने 3D स्कैन को फाइनलाइज करने के लिए। तो फिल्म का शूटिंग जो है वो अब फुल स्विंग से स्टार्ट होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले अप्रैल महीने के अंदर ही राम नवमी के दिन शायद इस फिल्म का एक अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अगला अपडेट है सलमान खान की मूवी द बुल को लेकर, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर। लेकिन ये अपडेट कुछ अच्छा नहीं है। कहा ये जा रहा है कि सलमान खान जो है अब इस फिल्म से बैकआउट कर चुका है। ये जो है कन्फर्म्ड न्यूज़ नहीं है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। दरअसल बात ये है कि फिल्म का जो शूटिंग है वो फरवरी से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जुलाई ये इसका जो शूटिंग है वो पोस्टपोन होता जा रहा है। और करण जौहर जो है वो सलमान खान से ये रिक्वेस्ट किया था कि और भी टाइम देने के लिए, ताकि फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके। लेकिन सलमान खान जो है अपना टाइम साजिद नाडियाडवाला के साथ जो फिल्म वो कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं एयर मुर्गदस, उसके अंदर जो है बिजी हो गए हैं। तो शायद हो सकता है कि इस फिल्म का, ये जो फिल्म है, कभी ना ही बने, क्योंकि सलमान खान जो है कहा जा रहा है कि इस फिल्म से बैकआउट कर चुका है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैदान फिल्म के लिए बोनी कपूर जो है अपने कई जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि मिस्टर इंडिया 2 अगले 1 या 2 साल के अंदर बनेगी ज़रूर। मतलब मिस्टर इंडिया 2 का जो स्क्रिप्टिंग है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस बहुत सारी बजट के लेकर उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जी स्टूडियोज़ भी इसके अंदर है। तो अभी तक इसका कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि पहले का जो कास्टिंग है वो ना दिखे, क्योंकि श्रीदेवी जी हैं जो हैं वो भी नहीं रहे, सतीश कौशिक जी जो हैं वो भी नहीं रहे, डायरेक्टर शेखर कपूर जो कि मिस्टर इंडिया 1 का डायरेक्टर था वो भी अब अलग ही दुनिया की फिल्म बना रहे हैं, तो वो भी शायद इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये फिल्म बनेगी ज़रूर अगले 1 या 2 साल के अंदर। अगला अपडेट है वायर स्पाइनिवर्स की अपकमिंग मूवी। मैं बात कर रहा हूँ पठान 2 को लेकर। जो जब ये न्यूज़ आया था कि पठान 2 बनने वाली है, तो इसके अंदर हमने ये भी कहा था कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ही रहने वाला है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म को जो है सिद्धार्थ आनंद शायद डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। दरअसल बात ये है कि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ये चाहते हैं कि इस फिल्म को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले, इसीलिए शायद कोई नए डायरेक्टर से इस फिल्म को डायरेक्ट किया जाएगा। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो यही था आज का अपडेट। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।